हमारा वार्ड स्वच्छ, सुंदर, शिक्षित, अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो। काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। प्रदीप पासवान। नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण में नॉमिनेशन के पांचवें दिन प्रत्याशियों की काफी भीड़ बढ़ी। विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया। मेयर, उपमेयर सहित वार्ड पार्षदों ने अपने समर्थकों के साथ विकास भवन पहुंचकर जिला उप विकास आयुक्त के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं बतौर वार्ड पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 43 से रूबी रतन ने नामांकन दाखिल किया। मीडिया से मुखातिब होकर वार्ड पार्षद प्रत्याशी रूबी रतन के पति प्रदीप पासवान ने कहा कि पहले भी विभिन्न पदों पर काबिज रहकर जनता का सेवा किया हूं और इस बार जनता के समर्थन और प्यार से पत्नी को बतौर वार्ड पार्षद से नामांकन दाखिल करवाया हूं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा वार्ड स्वच्छ, सुंदर, शिक्षित, अपराध मुक्त और नशा मुक्त हो। काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को निष्पक्ष रूप से धरातल पर उतारूंगा। बतौर वार्ड पार्षद आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या रोड मैप रहेगा अगर जीत होती है तो कैसे काम करेंगे? आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूर्व में भी दो बार हमको मुखिया पद में जिताए और एक बार हमारे पत्नी को पंचायत समिति में जिताए और महिला सुरक्षित वार्ड होने के नाते पुनः जनता का आदेश हुआ, जनता का आदेश हुआ जो वार्ड पार्षद में आप खड़ा होइए और हमारा लक्ष्य है जो वार्ड पार्षद जीत के आएंगे तो अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करेंगे। हमारा वार्ड स्वच्छ हो, सुंदर हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, भय मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, यही हमारा संदेश है। और जो भी सरकार का कल्याणकारी योजना आएगी वो जनता तक एकदम निष्पक्ष रूप से वहां तक पहुंचेगी। यही मेरा रूबी रतन, प्रदीप पासवान, वार्ड नंबर 43।